सलाम जोहार आदाब। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने की आज ये लास्ट जुमा है जिसे मुस्लिम धर्मावलंबी में अलविदा का जुमा कहा जाता है। तो आज इस विशेष बातचीत में मदीना मस्जिद बरही के पेशिमाम जनाब हाजी अब्दुल मोहम्मद कलीमुद्दीन रिजवी साहब से हम विशेष बातचीत करने के लिए आए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि इस जुमे का क्या अहमियत है और इस पाक माह रमज़ान के बारे में क्या कहते हैं। इमाम साहब, आपका खबर 24 में स्वागत है और आज रमज़ान का आखिरी जुमा जिसे जुमातुल विदा भी कहा जाता है, तो इस सिलसिले में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसकी क्या अहमियत है? हेलो, सबसे पहले बातचीत से पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है जिसे जुमातुल विदा के नाम से हम लोग जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। ये रमज़ान शरीफ पूरे महीना रोज़ा रखने के बाद जो आखिरी जुमा होता है, उस आखिरी जुमा रमज़ान रुख्सत के नाम से जुमातुल विदा के नाम से पुकारा जाता है, पहचाना भी जाता है। लिहाजा रमज़ान का आज आखिरी जुमा है। जुमा के लिहाज से जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं वो आखिरी खुतबा भी देते हैं, इससे ये पता चलता है कि रमज़ान शरीफ अब रुख्सत होता है। इसके बाद जो वक्त आएगा चांद के लिहाज से, 29 के चांद अगर हो गया तो नमाज़ पढ़ेंगे, या नहीं तो 30 रोज़ा पूरा करने के बाद हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। अभी जो मामला सामने आया है वो ये है कि आखिरी जुमा की बहुत अहमियत है। वैसे सारे जुमा की अहमियत है, लेकिन उस जुमा की अहमियत समझते हुए अभी जिस मरहला से हम लोग गुजर रहे हैं, ये लॉकडाउन का वक्त गुजर रहा है, वबा चारों तरफ फैली हुई है, इसके लिहाज से कानून के तहत अमल करते हुए हम लोग 5 आदमी के साथ नमाज जुमा अदा करते हैं और इंशाल्लाह आज भी रखेंगे। पाक माह रमज़ान का जो आखिरी अरसा है, इसकी क्या अहमियत है बताएं? आखिरी अशरा ये मगफिरत का है, बिलखसूस आखिरी अशरा में 10 दिन एतकाफ में लोग बैठते हैं। एक आदमी भी अगर बैठ गए तो पूरे मोहल्ला गांव से बरी जिम्मा हो गए, अगर कोई नहीं बैठे सारे लोग गुनाहगार होंगे। इस लिहाज से हमारे मदीना मस्जिद में अभी जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब एतकाफ में बैठे हैं, माशाल्लाह उनका बैठना अल्लाह हुकुम फरमाए। और इसी 10 दिन के अंदर में शब कदर भी है, जिस शब कदर के रात में अल्लाह ने मुकम्मल कुरान पाक को नाजिल फरमाया। और ये कोरोना वायरस को लेकर के जो पूरा भारत ने महामारी का रूप धारण कर लिया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे, आप सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा से मुराद हिफाजत है, और जो बीमारी है वो सबके लिए है, और वो बीमारी एक ऐसी बीमारी है जैसा कि हम लोग सुन रखे हैं और पढ़े भी हैं, ये एक बिल्कुल जानलेवा बीमारी है जिससे हम सबको बचना चाहिए। और बचने का जो रास्ता बताया गया है उसी रास्ता के लिहाज से हम सबको चलना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। जैसे कि डिस्टेंसिंग बना करके हमें रहना है 2 गज़ के दूरी में, तो माशाल्लाह हम मस्जिद में भी उस तरह से अदा करते हैं, और दूसरी बात कि गांव घर में भी लोगों को यही पैगाम देते हैं और पैगाम के साथ कि भीड़ भाड़ की जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने मुल्क के कानून का लिहाज करते हुए इस पर हम भी अमल कर रहे हैं और सारे लोगों को भी अमल करना चाहिए। जैसा कि 30 रोज़ों के बाद जो ईद आती है, तो ईद के लिए क्या विशेष तैयारी है और सरकार की तरफ से क्या निर्देश आप लोगों को मिला है? ईद की तैयारी तो हर साल की तरह मिसाल नहीं हो पाई है, और ऐसा मालूम होता है कि हर साल जो ईद की खुशी मिलती थी इंसान इस वबा इस बीमारी के चलते वो खुशी भी नहीं मिल पाई। जो चहल पहल हमारे घरों में मस्जिदों में मार्केटों में रहा करता था वो चहल पहल दूर हो गया है। और अभी जो तैयारी है ईद के नाम से, जो कल हमारे दिल में खुशी थी वो खुशी नमाज के लिहाज से आज भी है, लेकिन अफसोस ये है कि चंद लोग हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और सारे लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ने का अहतमाम कर रहे हैं। जो कानून के लिहाज से हमारे मजहब के लिहाज से चल रहा है उस पर हम अमल करें।
और ईद का त्यौहार कब मनाने का ये तारीख तय हुई है, कब है इसका कुछ बताइए। देखिए हमारे यहाँ तारीख चांद के ऊपर है, अगर 29 रमज़ान को चांद नज़र आ गया तो उसके दूसरे दिन ईद की नमाज़ होगी, और नहीं तो वो 29 के बजाय 30 को अगर चांद हुआ उसके बाद हम ईद मनाएंगे। इंसान जैसे हमारे यहाँ अगर 23 तारीख को चांद नज़र आ गया इंशाल्लाह 24 को ईद मनाई जाएगी, और नहीं तो 24 को चांद तो होना ही है उसके बाद 25 को ईद हम मनाएंगे। ये रमज़ान के महीने में जो ज़कात और फितरा एक अलग अहम इसका मुद्दा होता है, इसकी खासियत होती है, तो इस साल ज़कात या फितरा का क्या रकम दिया गया है और किन लोगों को दिया जाना चाहिए? देखिए हमारे मज़हब के लिहाज से हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जान के बदले सदक़े फितर वो मालिक ने साथ है, और वो सदक़े फितर निकालने के बाद हम उस इंसान को देते हैं जो उसका मुस्तहक होते हैं, और उसका मुस्तहक गरीब मिस्कीन बेवा यतीम जो माजूर लोग हैं उन्हीं को इस रकम से मदद की जाती है। और ज़कात का मसला है वो मालिक ने साथ जो मालदार हैं उसके लिए हुक्म है कि आप सैकड़ा 2.5 रुपया अपने कमाई से निकालें और गरीबों को मदद करें। ये इस्लाम का बेहतरीन तरीका है ताकि अमीर लोग भी ईद मना सकें और आपकी ईद में गरीब लोग भी इस रकम के ज़रिए शरीक हो सकें। जी फितरा का रकम कितना तय किया गया है इस वक्त? अभी हमारे बरही और बरही इलाका के लिहाज से हमारे मार्केट के लिहाज से 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ निकालना है या उसकी कीमत लगभग 50 रुपये होते हैं, लिहाजा इंसान 50 रुपये के लिहाज से सदक़े फितर निकाला है। तो ये थे मदीना मस्जिद बरही के पेश इमाम हाजी जनाब कलीमुद्दीन साहब जो आपसे मुखातिब हुए और सारी चीज़ जो है सो बताए। मैं मोहम्मद शोएब अख्तर, बट 24 न्यूज़।